घर से निकलने का समय आ गया है। कुछ दिन यहाँ पर रहे, आनंद आया, बहुत ही मस्ती, और मस्ती के साथ हमने वीडियो बनाई आपको। वीडियो में आपने देखा। तो आज मैंने सोचा कि हम यहाँ पर रुके हैं, हमें जो भी चीज़ें फॉलो करनी पड़ी है और जो हमने यहाँ पर रहकर कितना खर्च किया है वो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। और हॉस्टल सुविधा, रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, वो सारी इस वीडियो में बताएंगे। तो हमने सोचा आज हम हॉस्टल का एक वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा हॉस्टल होता है, कैसे हम रह सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूम किराया। मेरा जो रूम है वो मैं दिखा देता हूँ। ये अपना रूम है कुछ इस प्रकार, और ये अपने बैग पड़ी है, ये अपने लिए सोने के लिए इस प्रकार, और ये हमें सोने के लिए रजाई ओढ़ने के लिए, और इस साइड एक तकिया भी देते हैं, और इस साइड का व्यू है। यहाँ पर अपना किचन बना सकते हो, जैसे आप अपने साथ में कोई खाना बनाने के लिए सिलेंडर वगैरह लाओ तो यहाँ पर। और ये अपनी बैग पड़ी है, दोनों बैग अपने पास यहाँ पर पड़ी है, और ये कुछ बेड इस प्रकार, इतना बेड है, यहाँ पर सो सकते हो आराम से। लाइट की सुविधा है, पंखा, अगर गर्मी में पंखे की सुविधा है। तो चलते आप नज़ारा दिखाते हैं, बाहर कैसा है वो हम दिखाते हैं। इस साइड का व्यू कुछ इस प्रकार है, आप देख पा रहे हो, और इस साइड का इस प्रकार है। यहाँ पर रूम है, ये देखिए सारे रूम है, और ये लॉकर है, यहाँ पे सामान भी रख सकते हो, लॉक लगा सकते हो। अब हम बात करें, आपको ले चलते हैं ऊपर। पहले आगे का नज़ारा दिखा देता हूँ। नज़ारा इस प्रकार है, और उसके बाद आपको ले चलते हैं ऊपर। पहले यहाँ से आपको ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पर भी रूम मिलते हैं, ये सभी रूम है, आप ले सकते हो यहाँ पर कहीं से भी। और ऊपर आपको चलते हैं, घुमाते हैं। ये देखिए भाई लोग, ऊपर आप धूप में बैठ सकते हो, यहाँ पर कपड़े भी सकते हो। ये देखिए, ये कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ पर कपड़े भी सुखा सकते हो आप। और इस साइड ये अपना नया बिल्डिंग बन रहा है यहाँ पर इन लोगों का, तो यहाँ पर भी रूम आपको मिल जाएंगे। और बाहर का कुछ नज़ारा, यहाँ से आप बैठ के व्यू देख सकते हो, बाहर का नज़ारा इस प्रकार है। देखिए ये बाहर का नज़ारा है, यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। और इस साइड के ये आगे से रोड गुजर रही है, ये देखिए। तो इस साइड का नज़ारा हमने देख भी बताया आपको। आगे यहाँ पर बैठने के लिए है, आप यहाँ पर सुबह शाम बैठ भी सकते हो। और 100 मीटर की दूरी पर ये जो नज़र आ रहा आपको, ये वाला, ये यहाँ पर अपना होटल है, जो खाना पीने के लिए आप खाना पीना भी कर सकते हो, खाना खाने के लिए वहाँ पे हो। तो ये देखा, अब इस साइड से आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पानी की अगर हम बात करें तो पानी हमें गर्म मिलेगा, वो भी अलग से चार्जेस से 20 रुपये लगते हैं गर्म पानी के लिए। और ये कुछ नज़ारा इस प्रकार, यहाँ पर हमने रूम लिया है, ये ऊपर का नज़ारा है, ये ऊपर वाले भी रूम है आपको मिल जाएंगे। और इस साइड छत का नज़ारा इस प्रकार है, यहाँ पर भी आप रह सकते हो, घूम सकते हो, आपके लिए अलाउड है, कहीं पर भी घूम सकते हो। अब आपको रूम की फैसिलिटी, ऊपर वाले रूमों की फैसिलिटी बताते हैं कैसे है। ये थोड़े महंगे हैं, उसमें लगे 150 रुपये, तो इसमें 300 रुपये चार्जेस है। ये बढ़िया रूम है, वो भी बढ़िया है, कमी नहीं है कोई रहने के लिए। हमें तो रहना है भाई लोगों, हमें रहना है, इसलिए हमें तो रात गुजारनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ी कम रहना है, बाहर ज़्यादा रहना है। इस साइड कपड़े भी सुखा सकते हो, ये कपड़े सूख रहे हैं। और स्नान घर जिसकी मैं बात करूँ, ये देखिए, ये अपने स्नान घर है, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे नहाने के लिए इस प्रकार है। और इस साइड की अगर हम बात करें पीने का ठंडा पानी, तो यह अपना कूलर लगा है, फ्रीजर। तो पहले कुछ मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, बाहर का, और उसके बाद यहाँ के जो इंचार्ज मैन है, जो यहाँ का काम संभालते हैं, उनका, उनसे हम आपको बातचीत कराएंगे। तो ये कुछ नज़ारा इस प्रकार, यहाँ पर आप बैठ सकते हो आराम से। और इस साइड का अंदर का देता हूँ आपको, ये देखिए, ये हॉल है, और यहाँ पर आप बैठ सकते हो आराम से, आराम कर सकते हो। और इस प्रकार अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये गेट है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये सुबह जल्दी खुल जाता है गेट, और शाम को
10:30 बजे तक आप अंदर आ सकते हैं। गेट बंद कर देता हूँ। ये देखिए भाई लोगों, ये अपना गेट इस प्रकार है। अब इस साइड की बात करें, मैं आपको बता दूँ, इस साइड 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पे चाय पानी नाश्ता होटल वगैरह है। यहाँ पर कपड़े भी धुला सकते हो, वो भी सारी सुविधा है। और इस साइड घूमने के लिए कोई जगह है, इस साइड में गया नहीं, इस साइड में जाता था मैं, खाना वाना खाकर आ जाता था। आगे का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। ये जो हॉस्टल की अगर हम बात करें तो इस हॉस्टल का नाम है हंजूरी सेवा सदन। और आप पूछ लेना, आप आ जाना, इस जगह पूछ लेना दोस्तों, नेहरू पार्क के पास ही है। और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे हम बातचीत कराते हैं, ये पूरा आपको एड्रेस बताएंगे। तो चलिए, ये यहाँ के इंचार्ज है, इनसे और इनसे गाइड भी ले सकते हो आप कोई कहीं पर घूमना। आपको मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको जैसलमेर क्षेत्र के कहीं पर घूमना है तो इनसे आप गाइड भी ले सकते हो। ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे, कहाँ पर क्या है, किसने क्या बनाया, पूरी जानकारी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए सर से पहले बातचीत करते हैं। चलिए यहाँ पे बैठ जाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह सिसोदिया है, मैं भोपाल जैसलमेर जिले का हूँ। मेरा पूर्व जो मकान है किले के अंदर है, और ये जिला अधूरी समाज सेवा संस्थान एक हमारा संचालित जिला अधूरी सेवा सदन है, जिसमें 36 कौम के लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें किसी जात पात ऊंच नीच की कोई प्रकार की यहाँ वो नहीं है, छुआछूत नहीं है। छुआछूत नहीं। अच्छा सर हमें बताएं, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ आराम से। अच्छा डिटेल के साथ हम बताएं, क्या रूम किस किस प्राइस से मिलते हैं आपको? जैसे हमारे यहाँ कुल 27 रूम है यहाँ। 27 रूम और 12 अटैच रूम है, और बाकी के 15 जो नॉन अटैच है। जिसमें नॉन अटैच है, जिसमें लेटरिंग बाथरूम साथ में नहीं है, वो 150 रुपए एक आदमी का। उसके साथ दूसरा आदमी आता है तो 2 आदमियों के 200 रुपए। उसमें एक रूम में 2 बेड लगे हुए हैं। दूसरा है अटैच बाथ, जिसके अंदर है 200 रुपए एक आदमी का। दूसरा उसके साथ दूसरा आता है, उसके साथ जुड़ा होता है तो उसके 50 रुपए एक्स्ट्रा है। उसमें भी 2 बेड लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ माताएं बहनें सुरक्षित है, और इस हनुमान चौराहे के हृदय स्थल बीचों बीच आया हुआ है, और हमारे समाज इसके चारों ओर हमारे समाज के लोग ही रहते हैं। अच्छा यहाँ से हमें बताएं, यहाँ से खाने पीने का होटल वगैरह इसके चारों ओर आप जहाँ भी जाएंगे, हनुमान चौराहे है जहाँ हृदय स्थल है, वहाँ पर रेस्टोरेंट काफी संख्या में रेस्टोरेंट है। उसके अलावा छोटे मोटे यहाँ पर ठेले भी रखते हैं जिसमें नाश्ता वगैरह बनता है। उसके साथ साथ हमारे जस्ट इसके सामने शहीद पूनम सिंह स्टेडियम है, जिसमें प्रति माह गणतंत्र दिवस 15 अगस्त 26 जनवरी मनाया जाता है। उसके साथ ही साथ डेजर्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो एक शहर के बीचों बीच आना एक बहुत बड़ी अपने आप में एक बड़ी खासियत है। उसके साथ ही जैसलमेर का किला आप इसकी हमारी छत से निहार सकते हैं, जिसका पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ जैसलमेर के यहाँ से आप पैदल वॉक कर सकते हैं। यहाँ से जैसलमेर मात्र किला, यहाँ से जैसलमेर का दुर्ग कहते हैं, 1156 ईस्वी महाराज जैसल सिंह ने बनाया था। और पहले जैसलमेर की राजधानी लदरुआ थी, 1156 ईस्वी में ही जैसलमेर यहाँ बसा है। और आप देख सकते हैं यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूरी में यहाँ से आप जाएंगे किला देखेंगे, वह किला देखने के बाद पूरा उसके बाद आप जाएंगे सालम सिंह की हवेली, सालम सिंह के बाद पट्टों की हवेली, पट्टों हवेली के बाद आप जाएंगे नथमल की हवेली, नथमल हवेली देखने के बाद आप जाएंगे राजा का जिसे हम मंदिर पैलेस कहते हैं, उसे पूरा राउंडिंग करके 1 किलोमीटर दायरे में यहाँ कोई भी जनता आराम से 1 किलोमीटर दायरे में पैदल भी घूम सकती है। अच्छा सर हमें बताइए, फैमिली के लिए यहाँ पे रूम मिल जाएंगे? हाँ, यहाँ हमारे कई फैमिलियाँ आके रहती हैं, कई ऐसी बच्चियाँ भी आई हैं जो बॉम्बे से, हैदराबाद से, गुजरात से, जो अकेली आ गई है और यहाँ रही है। और कई बच्चे ऐसी भी जो जैसलमेर के आसपास जोधपुर है या बाड़मेर है, तो वो परीक्षाएं देने आती हैं बीएड की, एसटीसी की, उनकी परीक्षा वहाँ अच्छी व्यवस्था है, वो अपने घर की तरह समझ के यहाँ से जाती है, और बाद में जाने के बाद हमारे से एक परिवार जुड़ा हो जाता है उनसे। सर सही है। अच्छा सर ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं? नहीं सर, इस धर्मशाला में ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, नहीं है कोई ट्रांजेक्शन, फोन पे है, सिर्फ कैश पे है। और यहाँ पर रात को जैसे अभी गर्मी के वक्त में हम रात को 11 बजे बंद करते हैं, और सुबह 5 बजे उसको खोलते हैं। अभी सर्दी का वक्त है, दूसरा कोरोना चल रहा है, उसके बाद सरकारी गाइडलाइन का प्रयोग पूरा समर्थन करते हुए गाइडलाइन का 11 बजे जो रात को कर्फ्यू जारी किया गया है, तो उससे पहले हम 10:30 बजे रात को बंद कर देते हैं, क्योंकि सर्दी का वक्त है, उसके बाद कोई आवागमन नहीं होता है इसके लिए हमने, क्योंकि रात को इसका इसलिए बंद कर देते हैं। अच्छा अच्छा सर, आने के बाद कोई आईडी वगैरह आप क्या क्या लेते हो? जैसे महिला और पुरुष आते हैं तो उन दोनों की, महिला और पुरुष दोनों की हम आधार कार्ड है या निर्वाचन कार्यालय का कार्ड है या आधार राशन कार्ड है, दोनों का लेते हैं, आवश्यक लेते हैं, अन्यथा उनकी फोटो स्टेट कॉपी भी लेते हैं, अगर वो नहीं देते तो हमको रूम नहीं देते हैं।
और यहाँ पर किसी भी प्रकार का नशा अलाउ नहीं है, चाहे वो शराब हो, बीड़ी हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, ये नशा मुक्त धर्मशाला है। यहाँ पर किसी मांस मदिरा का कोई सेवन नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ की और कोई खासियत फैसिलिटी क्या क्या है वो आपने बताई सारी? यहाँ पर हम 36 कौम के, इसके अलावा जैसे यहाँ धर्मशाला लोग ठहरने के अलावा हम शादी समारोह में भी इसको देते हैं। शादी समारोह जैसे हमारी समाज का है तो उसमें कम रेट में है, अदर समाज का भी ज्यादा रेट नहीं है। जैसे मुस्लिम समाज के भी लेते हैं, ब्राह्मण समाज के भी लेते हैं, हर समाज को हम देते हैं। किसी नहीं की एक समाज प्रोटिकल हमारे समाज को ही दिया जाए, लेकिन हम 36 कौम को देते हैं। अभी कई मुसलमान समाज के भी होते हैं, वो लेते हैं या निकाह पढ़ते हैं। तो हम बीचों बीच ही हमारी अध्यक्ष थे अर्जुन सिंह जी परिवार, उनकी एक परिवार जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, वो तीन बार अध्यक्ष बन चुके हैं यहाँ पर। अच्छा सर, अगर बाहर से कोई आए पर्यटक, अगर यहाँ पर जानकारी न हो, यहाँ स्थल है पर्यटक स्थल, उसकी जानकारी भी आप गाइड के द्वारा बताते हो ना? मैं प्रोफेशनल पर्यटक गाइड भी हूँ और मैं वंचित रह गया अपने गाइड लाइसेंस से, क्योंकि 2003 में राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत ने लाइसेंस दिए थे, लेकिन उसमें कुछ रातों रात अपने भाई भतीजों बात को देके गाइड लाइसेंस दिया था, लेकिन हमने हड़ताल की थी और मैं उससे वंचित रह गया। लेकिन मैं आज भी प्रैक्टिक गाइडिंग करता हूँ, उसके साथ साथ मैं पूर्व में जिला कांग्रेस का सचिव भी रहा हूँ और मानव अधिकार उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। उसके साथ साथ नागरिक सुरक्षा विभाग है राजस्थान ऑल इंडिया के अंदर, उसका मैं वॉलंटियर भी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर चलने की इजाजत चाहते हैं और हमें यहाँ से विदा कीजिए, हम जाते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जाने के लिए? हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, आप आ रहे हैं बता रहे हैं और हमारे इस सेवा संस्थान के बारे में आपने जो जानकारी ली, हम चाहते हैं इस जानकारी को आप यहाँ हिंदुस्तान पूरे पहुँचाए, गुजरात महाराष्ट्र राष्ट्र जो है यहाँ आके लोग ठहरे। एक सुरक्षित स्थान है, इसमें माता बहनाएं सब यहाँ आगे ठहर सकती है। यहाँ इसके बीचों बीच हमारे आसपास सभी समाज के लोग, हमारे समाज के लोग होते हैं, यहाँ एकदम सुरक्षित स्थान है। और आप बताइए जैसलमेर में आपका हार्दिक स्वागत और गोल्डन सिटी में आपका स्वागत, जिला जुड़ी समाज सेवा संस्थान के संचालक द्वारा सेवा सदन आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप में से अगर जो वीडियो देख रहे हैं अगर आना चाहे तो यहाँ पर आ सकते हो हंजूरी सेवा सदन। और अब हम चलते हैं, करते हैं लीन ली हमने इजाज़त यहाँ की और यहाँ से निकलने की करते हैं शुरुआत। तो अपना बैग हमने पैकिंग कर लिया सुबह ही और हम क्या है कि पहले घूम के आए। मैं आपको बता दूँ कि सुबह हम यहाँ से जब निकले तो हमने बैग पैक कर लिया था, सब कुछ पैकिंग कर लिया था। ये देखिए अपना पैकिंग पड़ा है, दिखाएं आपको, ये देखिए दोनों बैग अपना पैकिंग है, बस ये लीपर वाला डालना अंदर और उसके बाद निकलेंगे। और तो दोस्तों, ये थी हॉस्टल की जानकारी, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि हॉस्टल की, वहाँ पे रहने की, हॉस्टल की भी जानकारी आप दे दीजिए हमें। तो हमने सोचा आज एक हॉस्टल की जानकारी देते हैं। जैसलमेर काफ़ी पर्यटक घूमने आते हैं, काफ़ी दोस्त मेरे घूमने आने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कितना खर्चा होगा, क्या खर्चा होगा। खर्चा तो मैंने बता दिया, 150 रुपये पर डे का, यानी 12 घंटे का लगेगा रूम में रहने के लिए। बाहर खाने पीने का आपको पता है, आप जितना भी कर सकते हो, मानो आप कुछ भी खा सकते हो, वो आप पर निर्भर है और ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है। और मेरा 5 दिनों का लगे हैं लगभग 2-3 हज़ार रुपये लगे हैं, मैं सारी जगह घूमा हूँ यहाँ पर 2-3 हज़ार में, आप सोच सकते हो। और शम डेजर्ट अगर आप जाओ तो वहाँ पर 2-3 हज़ार एक दिन के लगेंगे, पर मेरे 5-6 दिनों के 2-3 हज़ार रुपये में पूरा काम हो गया और मैं सारी जगह यहाँ के जो सारे पर्यटक स्थल है वहाँ पर घूम आया और आनंद के साथ और मस्ती के साथ। तो लव यू मेरे दोस्तों, और मेरे फेसबुक पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं KRP राजस्थान, और यहाँ पे यूट्यूब पे आप फॉलो कर रहे हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और आपने इतना प्यार बनाए रखा, इस आपके प्यार की वजह से ही मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।